हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि BTS मेंबर के क्लोज अगर कोई भी लड़की आती है तो आर्मीज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम भी ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी लड़की BTS मेंबर की वर्कर या फिर स्टाफ मेंबर ही क्यों ना हो, अगर वो आर्मीज को दिख जाती है तो आर्मीज उन्हें काफ़ी सारे हेट देने लगती है। साथ ही साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से ट्रोल भी किया जाता है। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, काफ़ी टाइम आर्मीज BTS मेंबर के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि BTS मेंबर के क्लोज आए फीमेल की इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक ट्विटर पर जाकर उन्हें काफ़ी सारे बैड मैसेज करने लगती है। और फ्रेंड्स, ऐसा सिर्फ नॉर्मल लोगों के साथ ही नहीं होता है। इनफैक्ट BTS मेंबर अगर किसी सेलिब्रिटी फीमेल से भी मिले तो भी BTS आर्मी ऐसा ही करती है। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इस समय एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है कि BTS के ट्रांसलेटर निकोल को हाइप कंपनी ने निकाल दिया है, क्योंकि काफी सारी आर्मीज का ऐसा कहना था कि निकोल का और BTS मेंबर्स का एक दूसरे के साथ अफेयर चलता है। और फ्रेंड्स, निकोल का किसी BTS मेंबर के साथ अफेयर चलता है, इन्हीं सब रूमर को सुनने के बाद बिगिट काफी दिनों से परेशान चल रही थी, जिसके बाद उन्हें लास्ट में निकोल को आर्मीज की वजह से निकालना ही पड़ा। तो फ्रेंड्स, BTS के ट्रांसलेटर निकोल को लेकर जो भी सारी न्यूज आ रही है, उन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में निकोल का किसी BTS मेंबर के साथ अफेयर चलता था? क्या सच में बिग हिट ने रूमर से परेशान होकर निकोल को अपने कंपनी से निकाल लिया है? ये सब जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि निकोल काफी टाइम से BTS मेंबर की ट्रांसलेटर रही हैं और उन्हें BTS मेंबर के साथ काफी सारी जगहों पर देखा गया है। यानी कि फ्रेंड्स, जब भी BTS मेंबर आउट ऑफ कोरिया जाते हैं तो निकोल को भी उनके साथ जाना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि वो एक ट्रांसलेटर है तो उनकी जरूरत BTS मेंबर को हर जगह पड़ती है। और फ्रेंड्स, इसी तरह BTS मेंबर का और निकोल का काफी सारा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करके ऐसा कहा जा रहा है कि BTS मेंबर और निकोल का अफेयर चलता है, इसीलिए हाइप कंपनी ने निकोल को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइप कंपनी ने BTS की ट्रांसलेटर निकोल को नहीं निकाला है। इनफैक्ट निकोल ने खुद हाइप कंपनी से रिजाइन ले लिया है, क्योंकि उन्हें सोनी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने हाइप को रिजाइन करके सोनी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। और जो भी लोग BTS मेंबर और निकोल को लेकर ऐसे फालतू की बातें कर रहे हैं, वो सारी ही सारी रूमर्स हैं जो आर्मीज को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है। लेकिन फ्रेंड्स, एक ट्रू आर्मी हमेशा ही ये समझ जाती है कि BTS मेंबर को हमेशा ही किसी न किसी गर्ल के साथ जुड़कर BTS हेटर्स और स्टैन आर्मीज को कंफ्यूज करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी तो ये है कि निकोल ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका किसी भी BTS मेंबर के साथ अफेयर नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले क्या आपको भी ऐसा ही लगा था कि BTS की कंपनी हाइव ने निकोल को BTS मेंबर के साथ अफेयर चलाने के लिए निकाल दिया होगा या फिर नहीं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।